हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रशांत चतुर्वेदी ट्यूटोरियल्स। देखिए, एसएससी यानी कि स्टाफ सेलेक्शन कमीशन ने सेलेक्शन पोस्ट के लिए अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है और टोटल जो वैकेंसीज आई हैं वो आई हैं 1136 वैकेंसीज, 1136 वैकेंसीज, और इसमें 10th पास वाला भी एग्ज़ाम ये दे सकता है, एलिजिबल है, 12th पास आउट भी दे सकते हैं और ग्रेजुएट्स भी एलिजिबल हैं, मगर उसका पूरा क्राइटेरिया है, ऐसा नहीं कि सारे दे सकते हैं। क्या क्राइटेरिया है वो अभी डिस्कस करेंगे। देखिए, पहली चीज़ तो ये समझिए, सिलेक्शन पोस्ट होता क्या। एसएससी का हर साल आपका एक सीएचएसएल एग्ज़ाम होता है, 10+2 लेवल का होता है, सीजीएल होता है, ये ग्रेजुएशन लेवल का होता है, और आपका जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, सीपीओ वगैरह होता है। तो क्या होता है कि कुछ कुछ डिपार्टमेंट में कुछ कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जो सीजीएल के अंडर में नहीं आती हैं, तो उनको जो ये लोग जो वो वैकेंसीज बचती हैं, जो वो पोस्ट हमारी बचती हैं, उनको जो ये फिल करते हैं उस पोस्ट को, उसको सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू फिल किया जाता है। उसमें क्या होता है, इसमें एक पर्टिकुलर आपका रिक्वायरमेंट मांगा जाता है, एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है। वो सारी चीज़ें क्या होती हैं अभी सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस पहले ही आपको बता देता हूँ, 100 रुपीज़ है, और फीमेल कैंडिडेट्स एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी इनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए अब बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेट्स, स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 सितंबर 2018, यानी कि कल से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। लास्ट डेट है हमारा 30 सितंबर 2018। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट जो होगा आपका, वो भी आप 5 सितंबर से 30 सितंबर तक कर सकते हैं। एग्ज़ाम की डेट अभी रिलीज़ नहीं की गई है, अभी डिक्लेयर नहीं की गई है, ये जैसे ही डिक्लेयर की जाएगी वैसे हम आपको अपडेट कर देंगे, या हमारी वेबसाइट पर prashantchaturvedi.com पर अपडेट कर दिया जाएगा। और जब भी एग्ज़ाम की डेट आती है उसके 7 दिन पहले आपका जो एडमिट कार्ड होता है वो रिलीज़ कर दिया जाता है। एज लिमिट का क्राइटेरिया समझ लीजिए, मिनिमम एज है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स। डेट है एज ऑन 1 अगस्त 2018, मतलब कि 1 अगस्त 2018 तक आपकी एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन होता है, एससी एसटी 5 ईयर्स, ओबीसी 3 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स 10 ईयर्स और एक्स सर्विसमैन 5 ईयर्स। बाकी ये पूरा और बाकी अलग अलग कैटेगरी के लिए सबके लिए है, आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। अब देखिए, एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है, 10th मांगा है, 12th मांगा है, ग्रेजुएट मांगा है, एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट यू आर अप्लाइंग फॉर। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रेजुएट आप किए हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, पर बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत अलग अलग डिफरेंट क्राइटेरिया है, तो उसको बहुत ध्यान से आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है और कैसे अप्लाई करना भी, वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं। सेलेक्शन प्रोसेस क्या है हमारा, रिटन एग्ज़ाम होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कोई इंटरव्यू नहीं है, रिटन एग्ज़ाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फीस मैं आपको बता ही चुका हूँ, जनरल कैंडिडेट ओबीसी के लिए 100 रुपीज़, फीमेल कैंडिडेट एससी एसटी एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी इनके लिए कोई फीस नहीं है। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, देखिए 10th क्लास इनका अलग एग्ज़ाम होगा, 12th यानी कि 10+2 इनका अलग एग्ज़ाम होगा, और जो ग्रेजुएट लेवल हैं या जो ग्रेजुएट कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उनका अलग एग्ज़ाम होगा। और जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो पैटर्न यही रहेगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए में क्या है, जनरल इंटेलिजेंस है हमारा, पार्ट बी में जनरल अवेयरनेस है, पार्ट सी में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है या न्यूमेरिकल एबिलिटी बोल सकते हैं, और पार्ट डी में हमारा इंग्लिश लैंग्वेज। 25 क्वेश्चन होंगे सभी में, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे, और आपको टाइम मिलेगा 1 आवर, एक घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने होंगे, और जो मार्क्स होंगे वो आपके होंगे 200 मार्क्स। और देखिए क्या है यहाँ पर, ये जो हमारा एग्जामिनेशन का पैटर्न है ये पूरा वैसा ही बेस्ड है सीजीएल पर, सेम वही एग्ज़ाम पैटर्न। इसका जो पूरा सिलेबस है, 10th क्लास का क्या सिलेबस है, 12th क्लास का क्या सिलेबस है, और जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए क्या सिलेबस है, इन सभी का, तीनों का सिलेबस मैंने अपनी वेबसाइट पर अपडेट कर दिया है, अभी रिसेंट पोस्ट पड़ा हुआ है, आप वहाँ पर सिलेबस चेक कर सकते हैं।
वेबसाइट है prashantchaturvedi.com, यहाँ पर आप पूरा सिलेबस, जो 10th पास हैं जिनको एग्ज़ाम देना है उनका सिलेबस दिया गया है, 12th पास जो हैं उनका सिलेबस दिया गया है, और जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनका भी पूरा सिलेबस वेबसाइट पर दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी दिया गया है। अब बात करते हैं वैकेंसीज़ की, कौन कौन सी वैकेंसीज़ आई हैं। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट, जूनियर इंजीनियर, साइंटिफिक असिस्टेंट, जूनियर सीड एनालिस्ट, हेराल्डिक असिस्टेंट, इन्वेस्टिगेटर, बोटैनिकल असिस्टेंट, डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, फर्टिलाइज़र इंस्पेक्टर, सब एडिटर, मतलब बहुत सारी पोस्ट हैं। आपको क्या करना है, आपको जो भी आपका, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है किस फील्ड से, आपको हर, देखिए इसमें है क्या, अलग अलग रीजन है, सेंट्रल रीजन है, ईस्टर्न रीजन है, अलग अलग जो भी रीजन है उसमें अलग अलग वैकेंसीज़ आई हैं, तो हर रीजन का अलग अलग जगह दिया गया है, किस रीजन में कौन कौन सी वैकेंसीज हैं सब दी गई हैं। आपको क्या करना है, देखिए क्योंकि नोटिफिकेशन काफ़ी लेंदी है, एक एक पोस्ट के बारे में यहाँ नहीं समझा सकता हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे फाइंड करना है, कैसे आपको अपनी जॉब सर्च करनी है और कैसे अप्लाई करना है। ये तो पूरी हमारी वैकेंसी की बात होगी, अब आपको करना क्या है, जो हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप हमारी वेबसाइट विजिट करेंगे वहाँ पर रिसेंट पोस्ट अभी यही पड़ा हुआ है, जो लेटेस्ट पोस्ट है, आप वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए। जब आप डाउनलोड करेंगे तो वो एक पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड होगा, उसको डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे पेज नंबर 33 पर, जब आप पेज नंबर 33 पर आएंगे तो वहाँ से आपको पूरी जो भी वैकेंसीज हैं उसकी पूरी एक एक डिटेल दी गई है, जैसे आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट है, रीजन कौन सा है, सेंट्रल रीजन, ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज आर्मी, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन। अब ये आपको चेक करना है कि वहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है कि नहीं मांगा, बिकॉज इस नोटिफिकेशन में नहीं दिया है, ये आपको चेक करना है कि एक्सपीरियंस मांगा है कि नहीं मांगा। वैकेंसीज इसमें टोटल कितनी है, 9, ग्रेड पे हमारा 9300 से 34800। अब देखिए क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन सब में ग्रेजुएशन लिखा है, मतलब कि ग्रेजुएशन आपने किया है तो ज़रूरी नहीं कि आप एलिजिबल हैं, आपको चेक करना है ऑफिशियल वेबसाइट पर कि ग्रेजुएशन के साथ एक्सपीरियंस मांगा है कि नहीं मांगा। कुछ कुछ पोस्ट में मांगा गया है, कुछ कुछ पोस्ट में नहीं मांगा गया। अब देखिए, जब आप ये PDF डाउनलोड कर लेंगे, पेज नंबर 33 पर आपको सारी डिटेल मिलेगी वैकेंसी की। अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर पोस्ट डिटेल्स, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक आपका नया वेब पेज ओपन होगा, वो कुछ इस तरह से होगा, वहाँ पर लिखा होगा डिटेल्स ऑफ पोस्ट टू बी इंक्लूडेड इन द रिक्रूटमेंट नोटिस ऑफ फेज 6। यहाँ पर क्या है, सेलेक्ट रीजन फ्रॉम लिस्ट, अब ये एरो बना हुआ है, आप यहाँ पर माउस क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे रीजन मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको लिखा होगा सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, ये कई सारे यहाँ पर आपको रीजन लिखे होंगे, तो उस पर आप क्लिक करेंगे। मैंने सेंट्रल रीजन पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये जितनी भी उस रीजन में वैकेंसीज हैं वो पूरी आपके सामने डिटेल ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ पर जो भी डिटेल देखना चाहते हैं, जैसे जूनियर सीड एनालिस्ट है, यहाँ लिखा गया है व्यू डिटेल्स, इस पर क्लिक करेंगे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। जैसे मैंने एक पोस्ट पर अभी क्लिक किया था तो वो कुछ इस तरह का था, पोस्ट था हमारा साइंटिफिक असिस्टेंट M&E मेटलर्जी, सेंट्रल रीजन का ही था ये, जो अभी आपको पीछे हमने दिखाया है, इसको आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको साइंटिफिक असिस्टेंट मेटलर्जी का पोस्ट मिलेगा, उसके सामने व्यू डिटेल्स लिखा है, मैंने उस पर क्लिक किया तो ये पूरा डिटेल ओपन हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ग्रुप बी का पोस्ट है, डिपार्टमेंट क्या है, जनरल क्वालिटी अश्योरेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, न्यू दिल्ली, ग्रेड पे स्केल दिया गया है, एज लिमिट 18 से 30 साल, इसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर आपको चेक करना है कि पूरा क्या मांगा गया है, अब इसको पढ़ लीजिए ध्यान से, लिखा है बैचलर्स डिग्री इन साइंस विद वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल विद फिजिक्स केमिस्ट्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, फिजिक्स ऑब्लिक केमिस्ट्री है, मतलब कि फिजिक्स भी होना चाहिए, मतलब फिजिक्स या केमिस्ट्री होना चाहिए, BSc हो, बैचलर्स डिग्री इन साइंस, लेकिन आपके साथ अगर आपने पढ़ा है कोई एक सब्जेक्ट फिजिक्स या केमिस्ट्री तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद क्या लिखा है, और डिप्लोमा इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा मांगा है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, तो क्या मांगा है, BSc हो
और डिप्लोमा हो आपका मेटलर्जिकल में। बीएससी में फिजिक्स या केमिस्ट्री आपने एज अ सब्जेक्ट, इनमें से कोई भी एक एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो, फिजिक्स ऑब्लिक केमिस्ट्री, या तो फिजिक्स या केमिस्ट्री। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन क्वालिटी एश्योरेंस इन द फील्ड ऑफ मेटलर्जी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन और अंडरटेकिंग। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट की डिटेल आपको चेक करनी होगी खुद से। यहाँ पर ये सारी एक एक बहुत सारी पोस्ट हैं, लगभग 130 पोस्ट हैं और टोटल जो वैकेंसीज हैं इसमें डिक्लेयर हुई हैं 1136। तो एक एक पोस्ट यहाँ पर चेक करना, उसके बाद आपको यहाँ पर डिटेल में बताना, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैंने आपको जो पूरा प्रोसेस है वो बता दिया है। अब आपको जिस भी वैकेंसी या जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं चेक कर लीजिए, वहाँ पर वैकेंसी है, अगर है आप एलिजिबल हैं तो चेक करिए उसमें एक्सपीरियंस मांगा है कि नहीं मांगा। जैसा भी है, आप एलिजिबल होते हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है पूरा इसका हमारा डिटेल। इसके अलावा इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक ये नीचे लिखा हुआ है अप्लाई, जब आप इसको ओपन करेंगे आप यहीं से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, यहाँ से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक चीज़ और बोलूँगा, अगर फर्दर कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पर उससे पहले ये बोलूँगा, वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, मैंने अपलोड किया आपकी तुरंत क्वेरी आने लगती है, बीटेक एलिजिबल है कि नहीं है, बीएससी एलिजिबल है कि नहीं है। मैं वीडियो में एक एक चीज़ बताता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप वीडियो पूरा देखिए, इसलिए मत देखिए कि मैं वो होता है ना, मोनेटाइजेशन किया जाता है कि व्यूज़ के पैसे मिलते हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है। इसलिए देखिए कि आपकी जो क्वेरी होगी, अगर जेन्युइन क्वेरी होगी तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा, जेन्युइन क्वेरी नहीं होगी तो मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ। बिकॉज जो चीज़ मैं वीडियो में बना देता हूँ, जो मैं बता देता हूँ, और अगर वही आप पूछते हैं तो मैं उसका रिप्लाई नहीं करता हूँ। सो बस यही बोलना है, अगर आपको देखना हो तो आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, और उसके अलावा आपको कोई क्वेरी है तब आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।